हेलो एवरीवन, मैं परवेश मान आपके अपने यूट्यूब चैनल ओयो क्लास पर आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आ रही थी रिगार्डिंग एग्जाम के। एग्जाम सर बताइए, एग्जाम कब होंगे, एग्जाम कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, डेट शीट कब आएगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, तो इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। आप ये वीडियो पूरी प्लीज देख लीजिए ताकि आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी ना रहे। ठीक है गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मतलब समझते हैं इग्नू में मार्किंग स्कीम कैसे होती है, असाइनमेंट और थ्योरी के किस हिसाब से परसेंटेज मार्क्स निकलते हैं। सो गाइज, आपका जो एग्जाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में से 30% वेटेज किसकी होती है? असाइनमेंट की। एंड 70% वेटेज किसकी होती है? थ्योरी की। यानी कि आपका जो असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट आपका टोटल आपको 100 मार्क्स का ही देना होता है। 100 में से जो आपके मार्क्स आते हैं उसके 30% काउंट होते हैं। ऐसे ही थ्योरी आपको 100 मार्क्स का एग्जाम देना होता है और जो मार्क्स काउंट होते हैं वो कितने होते हैं? 30%। अगर हम बात करें पासिंग मार्क्स की कि आपके इग्नू में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, असाइनमेंट में आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी कि बीकॉम, बीए, बीटीएस, बीएससी, जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनको उनमें पास करने के लिए आपको कितने चाहिए? 35%। और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसे कि एमकॉम, एमपीएस, एमबीए, जो भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है उनमें आपको पास करने के लिए कितने चाहिए? 40%। ऐसे ही थ्योरी में भी 35% अंडर ग्रेजुएट के लिए और 40% पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। अब इसी चीज को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लेते आपने कोई असाइनमेंट सबमिट किया, ठीक है, 100 मार्क्स का कोई भी असाइनमेंट आपने सबमिट किया है। अब उसके मार्क्स कैसे लगेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके मार्क्स आए 80, ठीक है, आउट ऑफ 100, तो आपके मार्क्स कितने लगेंगे? 80 के 30%, यानी कि 24। ऐसे ही थ्योरी में आप मान लेते हैं आपके 80 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, तो आपकी परसेंटेज कितनी निकलेगी? 80 × 70%, क्योंकि आपकी थ्योरी की 70% वेटेज है, कितनी आएगी? 56। दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा? 80 आउट ऑफ 100। यानी कि जो आपके 80 मार्क्स आए हैं ये आपके टोटल 80 मार्क्स आए हैं जो कि आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, पेपर होगा, ठीक है। मतलब कि गाइज, ये तो एक एग्जांपल था, यहां पे 80 की जगह आपके 60 आए, 50 आए, तो यहां पे अमाउंट चेंज हो जाएगी, सिर्फ कैलकुलेशन ऐसे ही होगी। जो कैलकुलेट होने के बाद आपके मार्क्स आएंगे वो आपके टोटल मार्क्स हैं। अब हम देखते हैं कि जो आपके टोटल मार्क्स निकलते हैं, तो यानी कि टोटल असाइनमेंट, टोटल थ्योरी, वो कैसे निकालते हो आप? सिंपल तरीका गाइज, ऐसे हम कैलकुलेशन करेंगे। जैसे मान लो असाइनमेंट आपने 5 असाइनमेंट सब्जेक्ट के जमा कराए, आपके सब में 80 मार्क्स आ गए, ठीक है, थ्योरी में भी 80% मार्क्स आ गए गाइज, वेरी गुड। टोटल 400। अब समझो गाइज, ये 400 जो मार्क्स हैं ये असाइनमेंट के किस में से है? 100 में से 80 हैं, लेकिन इसकी वेटेज कितनी होगी? 30%। इसका 30% निकालेंगे तो कितना आएगा? 120। ऐसे ही इसकी वेटेज कितनी है? 70%। इसका 70% निकालेंगे तो कितना आएगा? 280। अब दोनों को अगर प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 400 आउट ऑफ 500, ठीक है। तो गाइज, ये क्राइटेरिया था आपका मार्क्स का कि आपको मार्क्स कैसे मिलते हैं। ऐसे ही अगर आपका 50 मार्क्स का कोई पेपर है तो 50-50 पे भी आपके ऐसे ही 30%, 70% और पासिंग मार्क्स 35%, 40%, यही क्राइटेरिया रहेगा। बस 100 की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी? 50, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि इग्नू एग्जाम कंडक्ट कब कराता है, कौन से मंथ में कराता है, ठीक है। आप सबको बताया कि इग्नू में दो सेशन होते हैं, एक जुलाई सेशन होते हैं और एक जैन सेशन होता है, यानी जनवरी में। आप दो बार एडमिशन ले सकते हो इग्नू में, या तो आप जुलाई में एडमिशन लोगे या जनवरी में एडमिशन लोगे, ठीक है। एडमिशन कब होते हैं उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मैंने, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो हम एग्जाम के बारे में बात करते हैं। दो तरह के मोड होते हैं, एक एनुअल मोड, एक सेमेस्टर मोड। आपको मैं बता दूं कि इग्नू अब
अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में सब में सेमेस्टर मोड दे दिया है, ठीक है, लेकिन एग्जाम वो सेमेस्टर मोड से कंडक्ट नहीं करा रहा है, अभी फिलहाल वो एग्जाम एनुअल मोड से ही कंडक्ट करा रहा है। लेकिन कुछ कोर्सेज जो पहले से इग्नू में सेमेस्टर वाइज चले आ रहे हैं उनके एग्जाम कब होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि बीसीए और एमसीए सेमेस्टर वाइज चलते आ रहे हैं इग्नू में कोर्सेज, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं एनुअल मोड के बारे में, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने जुलाई 2020 सेशन में एडमिशन लिया, ठीक है, अब आपके एग्जाम होंगे जून 2021 में, ठीक है। अगर आप जनवरी सेशन 2020 में एडमिशन लेते हो तो आपके एग्जाम होते हैं दिसंबर 2020 में, ठीक है, यानी कि आपको एक साल कंप्लीट करना होता है एनुअल मोड में एग्जाम देने के लिए। ऐसे ही अगर आप सेमेस्टर में देखें तो अगर आप जुलाई वाले सेशन में एडमिशन लेते हो तो आपके एग्जाम कब हो जाएंगे, दिसंबर 2020 में। ऐसे ही अगर आप जनवरी सेशन में एडमिशन लेते हो तो आपके एग्जाम कब होंगे, जून 2020 में, ठीक है गाइस। तो ये आपका एक पैटर्न था कि इग्नू एग्जाम कैसे कंडक्ट कराता है। सो गाइस अब बात करते हैं कि आपके जून 2021 एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे और डेट शीट कब आएगी और एडमिट कार्ड आप कब डाउनलोड कर पाओगे। सो गाइस पहले मैं आपको बता देता हूं जो लास्ट मैंने आपको बताया था कि एग्जाम कैसे होते हैं, कौन कौन से मंथ में होते हैं, ठीक है। तो कोरोना की वजह से अभी वो मंथ वेरी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी आपके जुलाई में एडमिशन वाले को जून में एग्जाम होने थे लेकिन कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गए, ठीक है, तो वो जनरल एक फॉर्मेट है, ठीक है। अदर सिचुएशन वेरी करती है, अगर सिचुएशन नॉर्मल है तो ऐसे ही एग्जाम इग्नू ऐसे ही एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि अभी जो करंट के एग्जाम है जून 2021 के वो एग्जाम कब होंगे, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं कि एग्जाम आपके अगस्त में हो सकते हैं, ठीक है, ये एक अनुमान है, श्योरिटी नहीं है, ठीक है। अगर सारी सिचुएशंस ठीक रही, कोरोना की सिचुएशन ठीक रही तो आपके अगस्त में एग्जाम हो जाएंगे, अगर अगस्त में नहीं हुए तो सितंबर में हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम अभी फिलहाल इग्नू की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है कि आपके एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं, और प्रमोशन के रिगार्डिंग मैंने लास्ट वीडियो में बताया है प्रमोशन कैसे होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एग्जाम की, एग्जाम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। अब एग्जाम होंगे, अब एग्जाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, ठीक है। तो गाइस इसके रिगार्डिंग भी इग्नू ने कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया है, ठीक है। अभी रिसेंटली ही लास्ट मंथ में इग्नू ने एक प्रोग्राम किया था हेलो इग्नू के नाम से, ठीक है। हेलो प्रोग्राम में क्या उन्होंने बताया था कि इग्नू आपको एग्जाम जरूर लेगा, और जब लेगा आपको 21 डेज पहले बता देगा कि आपके एग्जाम कब है या कौन से मंथ में है, तो 21 दिन पहले आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम आपके कब हो रहे हैं। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं डेट शीट की, कि डेट शीट आपकी कब आती है। डेट शीट जनरली कब आती है, जब आपके वो एग्जाम होने होते हैं, जैसे मान लेते हैं हम अगस्त में हमारे एग्जाम होने हैं तो डेट शीट आपकी जुलाई में आ जाएगी, या तो फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक में, ठीक है। और अगर हम बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आपके आते हैं 7 to 10 डेज बिफोर एग्जाम, यानी कि अगर आपके 1 अगस्त से एग्जाम है तो आपके एडमिट कार्ड कब आ जाएंगे, 21 जुलाई को या फिर 24 जुलाई को, ठीक है। आई होप आप सबको ये सब समझ में आया होगा और एग्जाम से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज दूर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। और गाइस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हो, उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द वो वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। सो गाइज प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।